और छिले वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। कर पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक, नए सांसदों से मिलेंगे मोदी, सांसदों को करेंगे संबोधित। कल मीटिंग के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे एनडीए के सभी सहयोगी दल, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे मोदी। राष्ट्रपति ने एनडीए सांसदों को शाम 5 से 7 मिलने का दिया था समय। राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा मिलकर सहयोगी दलों के साथ करेंगे चर्चा। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल सरकार के स्वरूप पर गठबंधन के साथियों के साथ करेंगे मंथन। राष्ट्रपति ने 7वीं लोकसभा की भंग की है, पीएम मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर भंग की है 7वीं लोकसभा। राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट का हुआ फेरबदल, उपराष्ट्रपति धनखड़ भी डिनर में हुए शामिल। इसी हफ्ते हो सकता है शपथ ग्रहण, एनडीए के दलों से बातचीत के बाद फैसला, जेडीयू टीडीपी से बातचीत करेगी बीजेपी। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पारित, मोदी को चुना गया नेता, 15 पार्टियों के 21 नेताओं ने समर्थन पत्र सौंपा। नरेंद्र मोदी बोले, हमारा गठबंधन 140 करोड़ लोगों की सेवा और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेगा। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, एनडीए सहयोगियों से की मुलाकात, हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। एनडीए की बैठक में मोदी के नेतृत्व पर जताया गया विश्वास, कहा सभी को गर्व है एकजुटता से लड़कर चुनाव जीते। प्रस्ताव में कहा गया, एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए करती रहेगी काम। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू, सीएम नीतीश, सीएम शिंदे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण समेत सभी घटक दल के नेता शामिल हुए। बैठक में मोदी के नेतृत्व और उनके प्रयासों की तारीफ हुई। नेताओं ने कहा, उनके नेतृत्व में देश में विकास तेज हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक बैठक में बोले मोदी, ये जनादेश ऐतिहासिक है जो भारत में आखिरी बार 60 साल पहले हुआ था। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का नहीं करेगा कोई दावा, इंडिया की बैठक के बाद बोले खड़गे, सही समय पर सही फैसला होगा। चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन की मुलाकात, दिल्ली में मिले दोनों नेता। कल बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों की बैठक, बीजेपी ने अपने सभी सीएम को आज दिल्ली बुलाया। एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा, हम तमिलनाडु और आंध्र के भाईचारे वाले राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए करेंगे सहयोग। एनडीए की बैठक के बाद बोले चंद्रबाबू नायडू, हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, एनडीए का हिस्सा नहीं होते तो साथ कैसे लड़ते। नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण का भेजा न्योता भूटान नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जनादेश भारत के संविधान की रक्षा के लिए है, मोदी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। खड़गे के घर पर हुई बैठक में इंडिया गठबंधन के 33 नेता शामिल हुए, अखिलेश, अभिषेक बनर्जी, शरद पवार समेत कई नेता हुए इसमें शामिल। इंडिया की बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, खड़गे ने जन समर्थन के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जनादेश ने बीजेपी की नफरत की राजनीति पर करारा प्रहार किया, यह मोदी की नैतिक पराजय है। बोले इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ जारी रखेगा जंग, सही समय पर उठाएगा उचित कदम। बैठक में बोले खड़गे, जिन्हें संविधान पर भरोसा वे साथ आए, जनता ने बीजेपी को बहुमत न देकर साफ संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने इंडिया का चेयरपर्सन बनाने की हुई चर्चा, सही वक्त पर चेयरपर्सन बनाने की जा सकती है घोषणा। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने के दावे पर बोली सोनिया गांधी, हमारे पास नंबर नहीं, हम दावा पेश नहीं करेंगे। सोनिया के दावे पर सभी नेताओं ने जताई सहमति, सोनिया गांधी बोली, अब लोकसभा के पटल पर होगी सियासी लड़ाई। राहुल गांधी बोले, जनता से जो वादे किए सत्ता में आने पर करेंगे, पूरे माहौल बनाए रखेंगे, मोदी के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। एनडीए को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा हम चाहेंगे कि जिसकी सरकार बने वो बिहार को लेकर विशेष ध्यान दे। देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश, कमजोर नेताओं की ली जिम्मेदारी, बोले हम चूक। लोकसभा चुनाव में 100 के करीब सीट जीतने पर प्रियंका गांधी ने भाई राहुल के नाम संदेश में कहा, आपकी बहन होने पर गर्व है। पटना में लगा मोदी नीतीश के नाम का पोस्टर, बैनर पर लिखा डबल इंजन सरकार, दुगनी रफ्तार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार का हुबली में अपने घर पर शानदार स्वागत, बेलगाम सीट से जीता है लोकसभा चुनाव। लद्दाख से जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार हाजी हनीफा का जोरदार स्वागत, कांग्रेस उम्मीदवार नामग्याल को हराया। टीवी 9 पर बोले ओम प्रकाश राजभर, हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना था, हम कामयाब थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हर जाति ने हमें वोट दिया, हार की समीक्षा कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा बोले, कांग्रेस के पक्ष में होंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे। विदिशा में जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मनाया जश्न, लोगों के साथ उठाया चाय का लुत्फ। रामदास आठवाले बोले, जनादेश से हमें स्वीकार, विपक्ष को मिली अच्छी सीटें, एनडीए में से कोई नहीं जाएगा।
नीतीश तेजस्वी के एक साथ फ्लाइट में जाने पर बोले तेजस्वी, सलाम दुआ हुआ उसके, उन्होंने मुझे आगे बुलाया। अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला, बोले ये राम को लाने वाले लोग नहीं है, ये राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली। बाबा रामदेव ने तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी को दी बधाई, बोले उम्मीद है तीसरा कार्यकाल भी होगा यशस्वी। दिनेश प्रताप सिंह बोले एक साल तक शनिवार और रविवार को वांछित अवकाश पर रहूंगा, राहुल ने सिंह को करीब 4 लाख मतों से। चुनाव में हार के बाद नवीन पटनायक ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल रघुवर दास को सौंपा इस्तीफा। इस्तीफे से पहले बोले नवीन पटनायक, विधानसभा चुनाव में बीजेडी को मिली 147 में से केवल 51 सीटें। सरकार बनाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, बोले जिनके पास 100 सीट भी नहीं वो देख रहे मुंगेरी लाल के हसीन सब। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से दी चेतावनी, रूस की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। यमन के हुतियों का बड़ा दावा, मिसाइल और ड्रोन से लाल सागर और अरब सागर में जहाजों को बनाया गया निशाना। इसराइल पर हिजबुल्ला ने शुरू की गोलीबारी, नेतन्याहू ने लेबनान के खिलाफ सैन्य अभियान के संकेत दिए। दक्षिण लेबनान में इसराइल ने की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले के बाद लगी आग, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। लेबनान से इसराइली सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया, कई लोगों की मौत की आशंका, अस्पतालों से लीक हुई घायलों की तस्वीरें। हिजबुल्ला ने इसराइली सैन्य अड्डे पर मचाई भारी तबाही, इसराइली सेना के मृतकों को ले जा रही एम्बुलेंस की कतार लग गई। मित्र देशों के पैराट्रूपर्स ने डी डे ड्रॉप जोन में लगाई छलांग, 1944 में यहां पर उतरी थी मित्र देशों की हवाई सेनाएं। मैनहट्टन में प्रवेश के लिए वाहन चालकों से टोल लेने का विरोध किया गया, न्यूयॉर्क के गवर्नर के कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है, 14 जून को वापस लौटेंगी। दुनिया के 75 से अधिक का नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है, चीनी विदेश मंत्रालय ने भेजा है बधाई संदेश। जो बाइडेन ने भी मोदी को दी बधाई, कहा कि हमारे बीच मित्रता बढ़ रही है क्योंकि हम संभावना वाले साझा भविष्य बोल रहे हैं। ऋषि सुनक ने नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी, मोदी ने भी ब्रिटेन के आगामी चुनावों के लिए शुभकामना दी। ब्रिटेन के पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यूके और भारत के बीच सबसे करीबी दोस्ती है और ये दोस्ती आगे भी कायम रहेगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन ने एक्स पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर को साझा किया, कहा मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी को बधाई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आम चुनावों में सफलता के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दी, दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर जताई सहमति। यूएई के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी की जीत पर बधाई दी, साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की उम्मीद जाहिर की गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना नरेंद्र मोदी को दी बधाई, दोनों नेताओं ने साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भी नरेंद्र मोदी को बधाई दी, कहा कि यह जीत मोदी के नेतृत्व में रखे गए विश्वास का प्रमाण है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी, भारत नेपाल संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता प्रदीप ईश्वर के घर पर पथराव हुआ, आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में हिंसा हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ और बमबारी किए जाने का आरोप है। बरेली में महिलाओं को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की गई, पहचान होने पर पकड़ने गई पुलिस पर लुटेरों ने फायरिंग की, गिरफ्तार। राजकोट कालाफाट रोड पर स्कूटी के दुर्घटनाग्रस्त होने से आक्रोशित हुई युवती, अपनी ही गाड़ी में लगा दी आग। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में बिहार का बदमाश ढेर हो गया, 2.25 लाख के इनामी नीलेश राय पर दर्ज थे कई केस, हत्या लूट डकैती जैसे मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। दौसा में नीलगाय से टकराई राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी, हादसे में टीकाराम जूली गंभीर रूप से घायल। गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, नक्सली साहित्य और विस्फोटक समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। पुणे कार हादसे में हमले में नाबालिग के माता पिता को 10 जून और 3 अन्य लोगों को कोर्ट ने 7 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुणे कार हादसे में पुलिस ने नाबालिग की रिमांड बढ़ाने की मांग की, किशोर न्याय बोर्ड ने 12 जून तक बढ़ाई रिमांड अवधि। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में क्लोरीन प्लांट के सिलेंडर में गैस रिसाव, मरीजों की बड़ी बेचैनी, मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ में एनआईए ने नक्सली के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, पुलिसकर्मियों के हत्या और हथियार लूटने के लिए सड़क को क्षति पहुंचाने का आरोप। मानसून को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, 7 दिनों में मांगी नालों की सफाई की जानकारी। रक्षा मंत्रालय ने 4 बैंकों के साथ किया एमओयू, 1128 शाखाओं में खुलेंगे स्पर्श सेवा केंद्र। फ्रांस की नेशनल सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च के साथ उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो, जलवायु और पृथ्वी की सतह के तापमान की निगरानी। पुस्तक विमोचन के मौके पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने जताई उम्मीद,
2047 तक अमेरिका को पछाड़कर भारत बनेगा दुनिया की सुपर पावर। तमिलनाडु के कैरियार बांध का तिरुनेलवेली के कलेक्टर ने किया उद्घाटन। मानसून की खेती के लिए बांध से छोड़ा गया पानी। मुंबई के माही में इमारत का स्लैब गिरने से महिला की मौत, एक महिला घायल। उत्तरकाशी में खराब मौसम के कारण फंसा 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल, 10 लोग सुरक्षित निकाले गए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 5 ट्रैकर्स के पार्थिव शरीर को निकाला। 3 शेरपा और 4 ट्रैकर्स के पार्थिव शरीर आज निकाले जाए। उत्तराखंड के चंपावत जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। ओलावृष्टि होने से भारी नुकसान, कई पेड़ गिरे। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में हुई झमाझम बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून का असर कर्नाटक में देखने को मिला। हुबली के कई इलाकों में बारिश। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। शिमला के जंगल में लगी आग, हिमाचल में 2024 में आग के 1500 से अधिक घटना। राजौरी और पुंछ के जंगलों में लगी आग, आसपास के इलाकों में आग फैलने से भारी नुकसान, आग बुझाने में जुटी सेना। पंजाब के मोगा जिले में एक पुदीना फैक्ट्री में पड़े सूखे कच्चे माल में लगी भीषण आग, धुएं से भर गया पूरा इलाका। नोएडा की एडल्को सोसाइटी की 17वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग, बालकनी से निकलने लगी आग की लपटें। T20 वर्ल्ड कप का भारत ने जीता जीत से किया आगाज। आयरलैंड को 8 विकेट से हराया, रोहित ने ताबड़तोड़ अर्धशतक चढ़ा।